अभी आप क्या देख रहे हैं आपको मैं नजर आ रहा हूं बट आपको मेरे पीछे क्या नजर आ रहा है यू माइट सी फिश आपको एक मछली तैरती हुई शायद नजर आ रही हो आपको शायद बाइसिकल पे एक राइडर नजर आ रहा हो या आपको कुछ पहाड़ों का एक इमेज नज़र आ रहा हो दिस इज माई बैकग्राउंड आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ इट हमारी लाइफ में ये लव्ज़ बैकग्राउंड बड़ा इंपॉर्टेंट है जब भी हम किसी जॉब पे अप्लाई करने जाते हैं तो हमारा बैकग्राउंड चेक होता है या हमारे बैकग्राउंड के बारे में पूछा जाता है इसी तरह अगर किसी और चीज पे आप अप्लाई करें या कोई और चीज करें ऑलवेज बैकग्राउंड इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका जो पास्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है वेबसाइट के टर्म्स में बैकग्राउंड क्या होता है वेबसाइट की टर्म्स में बैकग्राउंड इज द बैक लेयर ऑफ योर डिजाइन आपकी वेबसाइट का वो हिस्सा जो कि बजहिर तो इतना ज्यादा नजर नहीं आ रहा लेकिन इट प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल डू नॉट कंफ्यूज बैक एंड विद बैकग्राउंड बैकएंड इज द एडमिन पैनल ऑफ योर वेबसाइट वो एरिया जिधर से आप अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड को मैनेज करते हैं बैकग्राउंड इज मोर विजुअल सो आप अपनी वेबसाइट जब खोलते हैं तो अगर आपको कोई कलर नजर आ रहा है कोई इमेज नजर आ रहा है जो एक ओवरले के तौर पे पीछे छुपा हुआ है दैट्स द बैकग्राउंड ऑफ योर वेबसाइट याद रखिएगा कि द बैकग्राउंड मेन्यू ऑप्शन इज अनदर थीम स्पेसिफिक ऑप्शन ये ऑप्शन हो सकता है आपको नजर आए ये ऑप्शन हो सकता है आपको ना नजर आए हो सकता है कि ये ऑप्शन जब आपको नजर आए तो ये सिर्फ आपको कलर्स चेंज करने की ऑप्शन दे ये भी हो सकता है कि जब ऑप्शन ये आपको नजर आए तो इट ओनली गिव्स यू ऑप्शन टू शेयर और शो इमेजेस थीम पे डिपेंड करेगा हमने डिस्कस किया मैंने आपको बताया कि बेतहाशा थीम्स एग्जिस्ट करती हैं देर आर न्यूमरस थीम्स आउट देर बेस्ड ऑन दोज थीम्स इट विल डिपेंड कि कौन सा सही बैकग्राउंड आपकी वेबसाइट के लिए सही रहेगा क्लिकिंग द बैकग्राउंड मेन्यू ऑप्शन विल टेक यू बैक टू द बैकग्राउंड इमेज पैनल इन द कस्टमाइजर ये सारी ऑप्शन आप कस्टमाइजर से एक्सेस कर सकते हैं क्या था कस्टमाइजर इट वॉज अवेलेबल अंडर अपीरेंस कस्टमाइजर सो दिस इज अनादर वे टू एक्सेस द बैकग्राउंड और इफ योर थीम अलाउज यू माइट बी एबल टू एक्सेस इट डायरेक्टली फ्रॉम अंडर थीम्स टू सेव योर चेंजेस वही आप करेंगे अगेन डिपेंडिंग ऑन योर थीम यू आर करेंटली यूजिंग यू मे बी एबल टू चेंज योर बैकग्राउंड और नॉट तो जैसे हमने डिस्कस किया कि बैकग्राउंड बहुत जरूरी है अपना बैकग्राउंड जानना भी बहुत जरूरी है वेबसाइट बैकग्राउंड जानना भी बहुत जरूरी है सो वी विल गो विद यू लाइव टू टेस्ट द बैकग्राउंड फीचर ऑफ वर्ल्ड प्रेस लेट्स गो टू डी जी स्किल्स साद हामिद डॉट जीरो 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 वेब होस्ट ऐप डॉट कॉम एंड आई लॉग इन टू माई डैशबोर्ड जिससे मैंने आपको बताया बैकग्राउंड ऑप्शन एक्सेस करने के लिए यू कैन डायरेक्टली गो फ्रॉम अपीयरेंस टू कस्टमाइज और यू कैन क्लिक ऑन बैकग्राउंड हियर आपकी थीम पे डिपेंड करेगा कि आपकी थीम आपको बैकग्राउंड इनेबल डिसेबल ऑप्शन एक्सेस करने में अलाउ uh, करती है कि नहीं करती सो so, अगर मैं यहाँ पे पेरेंट्स पे जाऊँ तो मुझे ऐस बैकग्राउंड की ऑप्शन नहीं मिल रही सो आई ट्राई टू गो टू कस्टमाइज एंड वहाँ मैं देखूंगा कि मुझे कोई ऑप्शन नजर आ रही है कि नहीं आ रही तो आप देखें वीडियो तो मुझे नजर आ रही है बट बैकग्राउंड सिर्फ मुझे नजर नहीं आ रहा आई ट्राई टू लुक मोर आई लुक इन टू साइट आइडेंटिटी आई लुक इन टू कलर लाइट थीम है डार्क थीम है आई एल सेलेक्ट फॉर लाइट थीम क्लिक पब्लिश बट अगेन जैसे मैंने आपको बताया कि इस केस में मुझे इस थीम में बैकग्राउंड की ऑप्शन ही मुझे नहीं दे रहा सो आई ट्राई टू डू इज आई एल ट्राई टू स्विच थीम मैं एक और थीम पे जाऊंगा जो कि मुझे बैकग्राउंड की ऑप्शन देगा सो आई ट्राई टू स्विच टू दट थीम दैट आई लव आई पर्सनली एम अ बिग फैन ऑफ दैट कॉल्ड ट्वेंटी सिक्सटीन एंड अब आप देख सकते हैं कि अपेरेंस के नीचे देर इज ऑप्शन विच इज कॉल्ड बैकग्राउंड सो एल क्लिक ऑन बैकग्राउंड एंड जैसे ही मैंने बैकग्राउंड क्लिक किया तो ये मुझे एक बैकग्राउंड इमेज ऐड करने की ऑप्शन दे रहा है सो आई क्लिक ऑन दैट आई एड अ बैकग्राउंड इमेज जिस तरह पहले से यहां पे ऐड हुआ हुआ है ये चोटी की तस्वीर मुझे बहुत अच्छी है लग रही है सो एल क्लिक ऑन चूज इमेज आई कैन सिलेक्ट द साइज आई कैन सिलेक्ट द फीचर्स मैं उसकी पोजीशन को सिलेक्ट कर सकता हूं और इसी तरह आई जस्ट क्लिक ऑन पब्लिश एंड दैट हाउ आई कैन चेंज माय बैकग्राउंड आपने नोटिस किया होगा कि पहले ही मुझे कलर दिखा रहा था सिर्फ आई क्लिक ऑन रिमूव इट विल टेक मी बैक टू दैट कलर सो एक थोड़ा सा आइडिया आपको यही देना था कि बैकग्राउंड क्या होते हैं हाउ दे वर्क वाई दे आर इंपॉर्टेंट एंड हाउ